आर्बिटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए, संडे है आज और एकदम तड़के वाली गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है। हमेशा की तरह लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। बड़ा ही मजा आने वाला है, फटाफट सर्च की टेक्निक शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज लॉन्च हो चुके हैं, जी हाँ, और इसके प्री रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आपको चाहिए सैमसंग S23 अल्ट्रा और आप इसे प्री बुक कर देते हो सैमसंग इंडिया की वेबसाइट से, तो आपको चार नए एक्सक्लूसिव कलर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें है रेड, स्काई ब्लू, लाइम एंड ग्रेफाइट। जी हाँ, आप देख ही सकते हो, देखने में काफी प्यारे दिख रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव कलर है। जी हाँ, आपको ऑफलाइन में कहीं पे नहीं मिलेंगे, सैमसंग इंडिया की वेबसाइट से देखने को मिल जाएगी। ये लिमिटेड कलर होने वाले, तो अगर आपको पसंद है, प्री ऑर्डर करना चाहते हो, तो ये जो चार नए कलर है उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। जी हाँ, रियलमी की बात करते हैं भैया, रियलमी 10T 5G ये जो स्मार्टफोन है, इसको NBTC सर्टिफिकेशन एंड इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है। जी हाँ, BIS सर्टिफिकेशन पे भी लिस्ट हो चुका है ये स्मार्टफोन। अब देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन वो कितना ही जल्दी देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर BIS सर्टिफिकेशन पर एक बार कोई स्मार्टफोन लिस्ट हो जाता है तो इसका लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक होता है। तो अब देखते हैं कि किस कीमत पे और कितनी जल्दी और किस स्पेक्स के साथ इसको लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। आप क्या एक्साइटेड हो रियलमी 10T स्मार्टफोन को लेकर, नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। ChatGPT ये जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, बहुत सारे लोग इसको यूज करे। जी हाँ, इसके चलते हुए जो हमारे गूगल के CEO है सुंदर पिचाई जी, जिन्होंने बता दिया है कि भाई ChatGPT का एक राइवल हम ला रहे हैं। जी हाँ, अब क्या नाम इसका होगा अभी ये कुछ नहीं पता है, बट कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ChatGPT का राइवल हमें देखने को मिल जाएगा। गूगल वर्सेस ChatGPT कैसा लगेगा? आप हमें ये बताइए कि क्या आपने ChatGPT का कभी यूज किया हुआ है, और किया हुआ तो ChatGPT ने आपकी कितनी हद तक हेल्प की है, नीचे कमेंट में जरूर से बताए। रियलमी की ओर से एक और खबर आ रही है, रियलमी GT Neo 5 काफी ज्यादा एक्साइटिंग स्मार्टफोन होने वाला है। जी हाँ, इसमें हमें वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट चार्जर देखने को तो मिलने वाला है रियलमी GT Neo 5 में। जी हाँ, 240 वाट का, और ये मेरे ख्याल से पहला ही एक ऐसा चार्जर होगा जो कि कॉमर्शियल अवेलेबल होगा, जी हाँ, यूज करने के लिए। और कहा जाएगा भैया रियलमी GT Neo 5 इसमें एक और नया फीचर देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है IR ब्लास्टर। जी हाँ, ये भी काफी काम आ जाता है, कभी कभार कुछ AC का रिमोट वगैरह गुम हो गया, कभी कभार TV ऑपरेट करना है, तो IR ब्लास्टर का हम पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर है जो कि रियलमी GT Neo 5 में देखने को मिल जाएगा, और ये ऑफिशियली कंफर्म भी हो रहा है। जी हाँ, सैमसंग की ओर से खबर आ रही है, सैमसंग की ओर से हमें दो और नए स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी A34, सैमसंग गैलेक्सी A54, ये जो दोनों ही स्मार्टफोन है वो TKDM सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुके हैं और इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी आ चुके हैं। और एक बार BIS सर्टिफिकेशन पर आ जाते हैं, यानी समझ लीजिए इसका लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक रहता है। अब देखते हैं कि ये जो दोनों ही स्मार्टफोन है इसको किस कीमत पे, कितनी जल्दी और क्या स्पेक्स के साथ लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, एयरटेल की बात करते हैं, एयरटेल ने अपनी 5G प्लस की सर्विसेज को और तीन जगह पे लॉन्च कर दिया। जी हाँ, कोझिकोड, त्रिवेंद्रम एंड थ्रिसुर, ये तीनों जगह पे अब आपको एयरटेल की 5G सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। अगर आप वहां पे रहते हो और आपके पास एक 5G स्मार्टफोन जो कि एयरटेल के 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ट्रूली अनलिमिटेड डेटा का आप यूज कर पाओगे। जी हाँ, एयरटेल की तरफ से, क्योंकि अभी तक कोई भी फाइनली प्लान डिसाइड नहीं किया गया, तो अभी फिलहाल आपको अनलिमिटेड डेटा देखने को मिल जाएगा, कोई आपको रिचार्ज नहीं करवाना, तो ये काफी अच्छी बात है। और अगर आप वहां पे रहते हो और एयरटेल की 5G प्लस सर्विसेज का ऑलरेडी यूज कर रहे हो, तो आपको कितनी स्पीड देखने को मिल जा रही है आपके स्मार्टफोन में एयरटेल 5G प्लस की, नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। काम के डील की बात करते हैं, अगर आपको चाहिए एक बहुत ही बेहतरीन ईयरबड, वो भी कम कीमत में और वो भी बेहतरीन ब्रांड का, तो ये जो डील है वो आपके लिए काम करने वाली है। बोट के तरफ से आने वाले बोट के एयरडॉक्स 141 ब्लूटूथ ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स फिलहाल बहुत ही बेहतरीन कीमत में अभी आपको अमेजोन पर देखने को मिल जा रहे हैं। और इसी ईयरबड की अगर कुछ स्पेक्स के बारे में बात करें, तो 42 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा है। और इसमें आपको बीस्ट मोड दिया गया है गेमिंग के लिए, यानी आपको गेमिंग खेलने का जो एक्सपीरियंस वो बहुत ही बेहतरीन होगा। जी हाँ, ENX टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया और IPX4 की रेटिंग भी दी गई है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और इसी ईयरबड की अगर कीमत की बात करें, तो ये अभी आपको सिर्फ फिलहाल Amazon पर देखने को मिल जा रहा है 1,099 रुपए में, काफी बेहतरीन डील है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते तो भैया रेसिडेंट एविल 4 ये जो गेम है इसका रीमेक आ रहा है। जी हाँ, कहा जा रहा है 24 मार्च को ये लॉन्च किया जाएगा, काफी अच्छी सर्वाइवल हॉरर गेम है ये। और कहा जा रहा है कि इस बार जो ये गेम रीमेक आ रही है इसमें बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक्स होने वाले। जी हाँ,
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। आप हमें ये बताएं कि आपने कभी भी रेसिडेंट एविल 4 ये जो गेम है या फिर इसके कोई रिलेटेड पार्ट खेला हुआ है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर से बताएं। तो बस आज की टेक्निक पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर जरूर से नया तो सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज मैनेज, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।